दोस्तों अभी मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। ये गाड़ी जा रही है ना मेरे आगे, तो इस गाड़ी में मतलब क्या है कि ये नया मॉडल गाड़ी आई हुई यहाँ पर हमारे यहाँ, और इस गाड़ी में अलग फीचर दे रखे हैं बहुत सारे। ये मर्सिडीज का ट्रक है, लेकिन इनमें साइड ग्लास नहीं दिए हुए। सबसे जो बड़ी बात है ना, इनमें साइडों में साइड ग्लास नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? शायद आपको अभी तो वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, इसमें जो साइड ग्लास है ना वो नहीं दिए, उनकी जगह पे जो उन्होंने कैमरे लगा रखे हुए हैं, मतलब जो छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे बिल्कुल नॉर्मल जो कैमरे होते हैं ना, तो कैमरे लगा रखे हैं। और उसके अंदर में जो जैसे साइड ग्लास होता है ना सेम वहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है, इनके अंदर में स्क्रीन लगी हुई है। और ये टोटल इलेक्ट्रिकल है, जैसे कि मतलब गाड़ी ऑफ हो जाएगी तो ये ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद शायद कोई इनमें ऑप्शन है कि जो वापस ऑन ऑफ करेंगे की को, जो स्विच ऑन ऑफ करेंगे गाड़ी का, तो उसके हिसाब से जो है वो ऑटोमेटिकली फिर स्क्रीन जो है ऑन हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं गाड़ी इसको ओवरटेक मारा था पहले, फिर मैंने थोड़ा स्लो करा गाड़ी, मैं बोला चल इसको जाने देते हैं आगे, उसके बाद इसका वीडियो बनाते हैं और दोस्तों को दिखाएंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि मतलब जो इंडिया में कभी शायद आपने ऐसा गाड़ी देखा नहीं होगा, मेरे को तो लगता नहीं फिलहाल कि कभी आपने देखा होगा ऐसा गाड़ी कि जिसमें साइड ग्लास नहीं है। साइड ग्लास तो छोटी गाड़ी से लेके बड़ा गाड़ी तक साइड ग्लास मतलब मिलता है देखने के लिए, सही है, चाहे छोटा कार हो चाहे बड़ा वाला गाड़ी हो, है ना, तो साइड ग्लास के बिना जो है वो कुछ भी काम नहीं चलता है। तो ये वाला जो नया मॉडल आया है, फिलहाल इस मॉडल को मेरे को लगता है शायद 2 साल से ऊपर होने वाला टाइम शायद, लेकिन ये बहुत कम गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो मतलब मैंने आज देखा गौर से तो हाँ आराम से मतलब जा रही थी गाड़ी, तो देखा भी हाँ सही है, तो मैं पास में से निकल रहा था, फिर मैंने गाड़ी स्लो कर ली। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा पास में जाके कि इसके ना जो लगे हुए हैं ना वो देखो, साइड में साइड ग्लास नहीं है मतलब, तो खाली कैमरे का वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए गौर से देखिए कि जहाँ पे साइड ग्लास नहीं है, आप सोचेंगे कि शायद ये झूठ बोल रहे थे, इसके अंदर में स्क्रीन लगी हुई है। तो ये देखिए गाइस, इसमें साइड ग्लास नहीं है जो सबसे बड़ी बात है, तो ये अंदर में सब कुछ मतलब जो है अंदर से ही पता चलता है, अंदर से ही बताता है ये सब, तो इसका पूरा जो अट्रैक्शन है वो सेम ही अंदर में से मिलता है। तो गाइज मैंने उसको फिर ओवरटेक मार दिया, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा जल्दी होता है ना, क्योंकि हम लोगों का काम ही ऐसा है कि हम लोगों को जो है आराम से चलने वाला मतलब काम नहीं है, टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम लोग जैसे बहुत वो चलती है ना इंडिया में कच्चे माल वाली गाड़ी चलती है कि धड़ाधड़ भागा दौड़ी लगा रहता है, लेकिन हमारा यहाँ पर कच्चा माल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चलना पड़ता है, थोड़ा भी मतलब रेस्ट नहीं कर सकते, रास्ते में रुकना मतलब जो है वो टाइम वेस्ट करने वाला काम हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को रेस्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को रेस्ट मिलता है, लेकिन हम लोगों को रेस्ट वहाँ पर मिलता है जहाँ पर हम लोग गाड़ी लोडिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि कभी कभी ज़्यादा जो है ना वो मतलब टाइमिंग वेस्ट हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी आधा घंटा में भी गाड़ी निकल जाता है, तो फिर इसलिए फ़िलहाल हमें थोड़ा है गाड़ी जो रोड पे जब चलते हैं तो उस टाइम में हमको थोड़ा गाड़ी खींच के रखना पड़ता है, मतलब भी सही जो है वो चलना पड़ता है, तो नहीं तो वो गाड़ी देखिए आपने जो पीछे जिसका मैं दिखा रहा था कि ये इसमें साइड ग्लास नहीं है, सही है, तो वो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो वो आराम से चल रही है गाड़ी, इसलिए पहले मैंने ओवरटेक मारा था, फिर वापस स्लो करी, फिर मैं बोला चल यार इसका वीडियो बनाते हैं। तो ये एक मतलब जो है बहुत ही अच्छा, मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल है टोटल, तो ऑटोमेटिक चीज़ होती है ना, तो फुल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आती हैं उसमें। तो ओके गाइस, यही था आज का ब्लॉग बनाना था छोटा सा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।